इस फिल्म के कहानी पर पड़ा है कर्मा का खेल भारी और दूसरों को सबक सिखाने वाले जब खुद ऐसे मुसीबत में फंसते हैं जहाँ पे खुद के नाम और पहचान पर दाग लग सकती है तो वो भी इंसानी है, हरिश्चंद्र की औलाद नहीं। तो झूठ को सच और सच को झूठ में बदलने के लिए जमीन आसमान एक करेंगे। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है जहाँ पे मैं के आपका होस्ट सॉरी रे मेरे गोस्ट बात करेंगे 2022 में हाल ही में अमेजोन प्राइम पर आए हुए फिल्म जलसा के बारे में। तो बिना आपका वक्त बर्बाद किए शुरुआत करते हैं आज का ब्लॉग। इस फिल्म की कहानी है YouTube पर चलने वाले एक जर्नलिस्ट के चैनल द फाइनल वर्ड, उसकी बहुत ही जानी मानी होस्ट जो सीधे सीधे सवाल पूछकर आगे वाले की गान फाड़ देने वाली माया मेनन की जिंदगी में होने वाले एक हादसे की, जहां पर देर रात को काम करके अपने ऑफिस से गाड़ी में जा रही होती है और अचानक एक 18 साल की लड़की को गाड़ी से उड़ा देती है और डर के मारे वो वहां से भाग जाती है। सच और सीधे सवाल पूछकर लोगों की बचाने वाले की इस एक घटना से खुद की बच जाती है। इस एक एक्सीडेंट से वो अपने भावनाओं के कश्मकश में फंस जाती है और जिंदगी के हर एक घड़ी उसके लिए फांसी का फंदा बनते जाता है। और दूसरी तरफ उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी रुखसाना, जो सबका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन उसके जिंदगी में भी ऐसी घटना घट जाती है जिसमें जिंदगी और मौत के बीच जूझने वाली उसकी बेटी की सासें अभी माया और रुखसाना के समय के कांटों को कर्मा से जोड़ देती है। इस फिल्म में हमें इन दो लीड कैरेक्टर्स के अलावा और अन्य अच्छे कलाकार और उन्होंने निभाए हुए कैरेक्टर्स भी देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं में सबसे यूनिक कैरेक्टर है विद्या बालन का लड़का, जिसे सेरेब्रल पॉल्सी है और इस बच्चे को असली में ये डिसऑर्डर है। अभी ये होने के बावजूद उसने इस रोल को बहुत ही अच्छे से निभाया है। मेरे हिसाब से ये फिल्म थ्रिलर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जैसे ये कांड हो जाता है तो हम सभी को पता चल जाता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। लेकिन थोड़ा सा सस्पेंस तब बन जाता है जब अचानक से पुलिस वाले खुद इस केस को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके अलावा मुझे ये फिल्म एक क्राइम थ्रिलर या सस्पेंस फिल्म से ज्यादा एक इमोशनल ड्रामा ज्यादा लगता है, जहां पर हर एक इंसिडेंट होने के बाद वो कौन से इमोशनल ब्रेकडाउन से गुजरते हैं और उन्हें खुद के मॉडल्स और रूल्स को तोड़कर अपने इमोशंस का गुलाम होना पड़ता है, यही सब देखने के लिए मिलेगा और यही दर्शाने की ज्यादा कोशिश की है। तो ऐसे समय में क्या सही और क्या गलत कोई मायने नहीं रखता। फिल्म की कहानी काफी नई और फ्रेश भी है। हिट एंड रन वाले फिल्में तो बहुत सारे आए हैं, लेकिन इसका जो एंगल और प्लॉट है वो थोड़ा सा यूनिक और ऐसे हमें ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता। और ऊपर से अगर इस फिल्म को देखने के लिए जाओ तो डायलॉग्स बहुत ही कम है, लेकिन ज्यादा एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज पर फोकस किया गया है। लेकिन इन चीजों के अलावा मुझे ये फिल्म इतना खास नहीं लगा, बहुत ही एवरेज टाइप है। परफॉर्मेंस हर एक कैरेक्टर का अच्छा है, इंटेंसिटी बहुत ही अच्छे से बनाए रखती है, म्यूजिक भी अच्छी है और डायरेक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग भी बढ़िया है। लेकिन ये फिल्म काफी स्लो है, एंडिंग बिल्कुल भी सही से नहीं किया है और फिल्म खत्म होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि अभी भी थोड़ा सा अधूरा है। रेटिंग की बात करो तो अकॉर्डिंग टू CBSE इस फिल्म को रेट किया है UA और Amazon Prime पर इसे रेट किया 16+, यानी कि 16 साल के नीचे बच्चे अकेले से इस फिल्म को बिल्कुल भी ना देखे, लेकिन बड़ों के साथ और पूरी फैमिली आराम से इकट्ठे बैठ के कंफर्टेबली इस फिल्म को एंजॉय कर सकती है। फिल्म सिर्फ हिंदी में ही अवेलेबल है और ये विजुअली इम्पेयर्ड फ्रेंडली फिल्म भी नहीं। तो अगर आपको 2 घंटे का एक सस्पेंस थ्रिलर फैमिली ड्रामा फिल्म देखना है तो ये फिल्म मैं आपको 100% वन टाइम वॉच जरूर रिकमेंड करूंगा। एक बार देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस फिल्म में लीड एक्टर्स के साथ सभी लोगों ने काफी अच्छे से एक्टिंग किया है और उसी की वजह से इस फिल्म में बहुत ही अलग से जान आ जाती है। और जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ते जाएगी आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ते जाएगी। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक ही चीज की है कि इस फिल्म को काफी खींचा गया है, जिसकी वजह से ये स्लो भी है और कभी कभी आपका इंटरेस्ट भी लूज होता है। और इस फिल्म की आयरनी भी यही है कि जो सच के पीछे पीछे भागती है और लोगों के लाइव इंटरव्यूज लेके उन्हें कठिन स्थिति में डालने वाली औरत, जहां पर झूठ का रास्ता अपनाना पड़ता है क्योंकि सच से सिर्फ उसकी छवि ही नहीं तो कंपनी भी डुबा देगी, तब उस कठिन स्थिति में रहना कितना मुश्किल हो जाता है ये उसे समझ आता है। इस फिल्म में सबसे बड़ी बात यही देखने के लिए मिलता है कि एक इंसान एकदम से कैसे बदल जाता है, वो भी खुद के स्वार्थ और मतलब के लिए। अभी क्या सभी ऐसे होते हैं तो इस कलयुग में? हाँ, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि 100 में से 10 से 5% लोग ऐसे नहीं होते। तो हर एक की जिंदगी में ऐसे समस्या कभी न कभी आ सकते हैं और किसी भी रूप में आ सकते हैं। तभी हमें बस इतना याद रखना है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, भावनाओं में बहते नहीं जाना है। बाकी तो आप ये जब फिल्म देखोगे तभी आपको पता चलेगा ही। ये फिल्म वीकेंड में देखो या वीकडे में, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। वीकडे में भी देखोगे तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब देखोगे तो आपको ये फिल्म और मेरा व्लॉग कैसे लगा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप लोगों को बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि आप अपने कीमती समय में से थोड़ा सा वक्त निकालकर मेरा ये छोटा सा व्लॉग देखते हो। तो बस आज के लिए इस व्लॉग में इतना ही। तो अगर आपको मेरा चैनल व्लॉग कंटेंट पसंद आए तो इसे लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद घंटे का बटन दबाने का, उसका तुरंत ऑल बटन दबाने का, ताकि जब भी नए नए व्लॉग्स आएंगे तभी आपको सबसे पहले उसके नोटिफिकेशन मिलेंगे। और अगर आप मेरे चैनल
पे नए हो या मेरे दूसरे ब्लॉग्स में देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन पे या फिर एंड स्क्रीन में उसके लिंक्स आ रहे होंगे, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो। आपसे फिर मुलाकात होगी मेरे दूसरे ब्लॉग पे। टिल देन टेंशन लेने का नहीं, माओ को परेशान करने का नहीं, बाजू वाले को बेवजह छेने का नहीं, अनसब्सक्राइब किए बिना जाने का नहीं। क्या बाय।